नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं उमोई चौधरी और आप सभी का स्वागत है आप लोग उत्तराखंड में। रुक करते हैं खबरों का, अब रुक करते हैं बाकी खबरों का। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब दून लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री धामी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से उनका काफिला देहरादून के लिए रवाना हुआ। मुख्यमंत्री धामी 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य के विकास के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। आज भी उन्होंने केंद्रीय श्रम और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने उनसे उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री धामी केंद्रीय मंत्री को पर्यावरण मंत्रालय में राज्य के लंबित मामलों के संबंध में जानकारी देते हुए इनके जल्द निस्तारण का अनुरोध भी उनके करते हुए नजर आए। और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को राज्य के विकास में हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती विधायक देशराज करनवाल से मुलाकात करके उनके अस्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने करनवाल के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इसके बाद उन्होंने, आपको बता दें कि विधायक राजेश शुक्ला ने भी विधायक करनवाल का हालचाल जाना। तो वहीं बीते रोज मुख्यमंत्री धामी ने बीजेपी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से भी शिष्टाचार मुलाकात की। उत्तराखंड में खेल नीति 2020 जल्द लागू होगी। इसके लिए खेल मंत्री अरविंद पांडे ने शासन स्तर पर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्य में खेल नीति को जल्द से जल्द लागू किया जाए। आपको बता दें कि 2020 में कैबिनेट के जरिए खेल नीति को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन अभी तक राज्य में खेल नीति का जीओ जारी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों में भी मायूसी छाई हुई थी। लेकिन अब खेल मंत्री अरविंद पांडे ने खेल नीति लागू करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर खेल नीति बनाई थी, जिसको कैबिनेट के जरिए हरी झंडी भी मिल चुकी है, लेकिन शासन स्तर पर कुछ देरी की वजह से जीओ जारी नहीं हो पाया। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि खेल नीति प्रदेश में लागू की जाए, ताकि खिलाड़ियों को बड़े स्तर पर प्रोत्साहन मिल सके। खेल के लिए जाना जाए, इसी नाते जितने एसोसिएशन है और जो हमारे रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, वर्तमान में खिलाड़ी हैं, इन सबके सुझावों को लेकर एक बृहद हमने योजना बनाई है, खेल नीति 2020 बनाई है, जो किसी कई कारण है, कोविड भी उसमें वजह है, जिसकी वजह से हम उसको अभी आदेश नहीं जारी कर पाए थे, लेकिन कैबिनेट से इसका प्रस्ताव हो चुका है। कल हमने सचिव को बुलाकर निर्देश दिया है कि तत्काल खेल नीति का जीओ जारी कर हम अगली बैठक इसमें जो खेल के विशेषज्ञ हैं और जो खेल नीति का पार्ट है, उन पार्ट को अलग अलग कैसे हम लागू करें, ताकि यहाँ प्रदेश के खिलाड़ियों को इसका लाभ मिले और नए खिलाड़ी इसमें आगे बढ़े और देश प्रदेश के लिए नाम रोशन करें। हम खेल एक तरफ जिले भर में कप्तान के आदेशों के बाद नशे के खिलाफ अभियान चला जा रहा है और पुलिस द्वारा लगातार नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिला उधम सिंह नगर के जसपुर में युवाओं का ध्यान नशे से हटाने के लिए क्षेत्र में जिम खोला गया है, ताकि युवा वर्ग का आकर्षण इस ओर हो सके, लोग नशे की तरफ कम ध्यान दें। जिम के उद्घाटन के लिए खुद क्षेत्र विधायक आदेश चौहान पहुंचे। विधायक ने बताया कि अच्छी पहल की गई है, ताकि लोगों का ध्यान नशे से हटकर सेहत को स्वस्थ रखने की तरफ जाए। आज की भाग दौड़ की जिंदगी में अगर आदमी को फिट रहना है तो उसे या तो जिम जाना होगा या उसे योग करना होगा। जैसा आपने कहा खुद ही कि हमारा युवा नशे की तरफ आकर्षित हो रहा है, लेकिन उससे दिशा मतलब उसको हटाने के लिए अगर इस तरह की संस्थाएं हमारा काम करेंगी, जैसे जिम खुला है तो हमारे युवा इसकी तरफ आकर्षित होंगे, और जिससे कि वो आने वाले समय में युवा फिट रहेगा तो हमारा शहर हमारा देश भी फिट रहेगा। इस जो ये एक बहुत बड़ी कड़ी है युवा फिट रहने के लिए हमारी जिम, और मैं इन सबको बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे युवाओं को आकर्षित करें, उन्हें प्रलोभन दें कि भाई आप हमारे जिम में आइए, और फिट रहने के लिए जिम बहुत ही अच्छा साधन है। उत्तराखंड में बढ़ रही नशे की लत के खिलाफ आज कांग्रेस ने रुड़की में ड्रग्स जागरूकता अभियान के तहत एसपी देहात को ज्ञापन सौंपकर नशीले सामान की बिक्री पर लगाम लगाने की मांग की। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे नशे के मामलों को कांग्रेस ने मौजूदा सरकार की विफलता करार दिया। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अनुपमा रावत की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी देहात प्रेमचंद सिंह डोभाल को ज्ञापन सौंपा और नशाखोरी पर लगाम लगाने की मांग की।
वहीं मौजूद रहे कांग्रेस के नेता संजय पाल ने बताया कि आज का युवा नशे की लत में फंस चुका है, जिसकी वजह से उनका भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस नेता राजपाल सिंह ने कहा कि नशे से प्रदेश के कई छात्र फंसे हुए हैं और इससे उनका भविष्य लगातार अधर में लटता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरीके से ये स्नैक ड्रग्स इतना फैल गया है, नशाखोरी इतनी बढ़ गई है पूरे उत्तराखंड में और ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पे, एक बहुत गंभीर मामला हो गया है। शायद ही कोई ऐसा घर है जहां आज इस तरीके से बच्चे इसकी गिरफ्त में आने के उसमें ना हो। और आज बेरोज़गारी चरम पर है, एक तो उसकी मार पड़ रही है लोगों पर, उसके ऊपर से बेरोज़गार बच्चे और जो नौजवान हमारी पीढ़ी है, इसको इस गलत घिनौने उससे बचाया जा सके बहुत ज़रूरी है। कहाँ हम लोग एक उन्नत, एक उज्जवल उत्तराखंड का सपना सजोए हुए, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। और कहाँ देखिए, आज हम सभी क्षेत्रवासी, हमारे जो पुलिस अधीक्षक है माननीय परमेंद्र सिंह डोभाल जी के माध्यम से एक ड्रग्स जागरूकता अभियान हमने शुरू किया है आज। और ये ड्रग्स की वजह से हमारे क्षेत्र के नहीं बल्कि बहुत प्रदेश के भी जो छात्र और हमारे नौजवान साथी इसमें लिप्त हो गए हैं और नशाखोरी की वजह से हमारे नौजवान और छात्राओं के जो जीवन है वो अंधकार में दिखाई दे रहा है। तो हम आज ये नशे के खिलाफ, प्रदेश में बढ़ते नशे के खिलाफ ये ज्ञापन दिया जा रहा है, क्योंकि न जाने बच्चे कहाँ से नशा कर रहे हैं। देखो, जब किसी का बच्चा नशा करता है उस पर क्या बीतती है, वो देखता है, आके अभद्र व्यवहार करता है घरों में, तो लोग बड़े परेशान हैं। कभी पंजाब में सुनते थे नशा होता है, वहाँ तो बंद हो गया, वहाँ तो कांग्रेस सरकार ने बंद करा दिया है, परंतु उत्तराखंड में बड़ी मात्रा में नशे का कारोबार बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है इसे। तो वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद कई इलाकों में भारी बारिश हुई। सिर्फ भारी बारिश ही नहीं बल्कि आफत भरी बारिश आई, जिसमें लोगों की परेशानी बढ़ गई। अब एएनबी न्यूज आपको उत्तराखंड की 3 सबसे खतरनाक तस्वीरें दिखा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर चमोली से सामने आई है, जहां पर तेज बारिश से बद्रीनाथ हाईवे नंबर 7 पूरी तरीके से बाधित हो गया। तो वहीं दूसरी खतरनाक तस्वीर टनकपुर चंपावत से सामने आई है, जहां पर लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। टनकपुर चंपावत में कई जगहों पर सड़कें बाधित हो गईं, जिससे भारी संख्या में सुप्रसिद्ध पूर्णगिरी मंदिर जाने वाले रास्ते श्रद्धालुओं में फंस गए। इतना ही नहीं, टनकपुर चंपावत में ही कई जगहों पर तेज बारिश से सड़कों के किनारे बनी कई दुकानें बह गईं, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई। तो वहीं अल्मोड़ा में भी आफत की बारिश बनकर इस बार की बारिश नजर आई है। कई जगहों पर भारी बारिश से पानी भर गया, तो कई लोगों के घरों में पानी भरने से लोगों की समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई। तो वहीं आपको सुनवाते हैं टनकपुर चंपावत में फंसे लोगों की क्या कुछ पीड़ा थी, किस तरीके से उन्होंने अपनी बातें कही, लेकिन ये तस्वीरें बहुत चिंताजनक। पैदल घोड़ा के जा रहे हैं 4 किलोमीटर दूरी से। अच्छा, तो क्या स्थिति है अब यहाँ? रोड बहुत टूटी हुई है, तो यहाँ जाने नहीं दिया जा रहा? नहीं, मना कर रहे हैं लोग। तो आप क्या करोगे ऐसे में? तो ऐसे में वापस जाएंगे। सारी बह गई हैं, पहले तो आखिरी गोला पे रोड पूरी खराब हो गई, पेड़ उड़ करके रास्ता जगह जगह बंद होकर रखा, बहुत पानी आ रहा है वहाँ से, हर जगह पूरा दुकान इतना बह रखा है, लोगों का पूरा दुकान 4-5 दुकान बह रखी है। इस पर विस्तृत रिपोर्ट नहीं आई है हमारे राजस्व उप निरीक्षक की टीम जो है, इसमें मौका मुआयना करने के बाद इसके उपरांत ही इस पर कुछ कहा जा सकता है कि हम इस पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमारा बाकी अलर्ट है, अलर्ट के तहत कि कोई जानमाल का खतरा ना हो, उस स्तर पे प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मौसम विभाग के भारी बारिश के अलर्ट के बाद बीती रात से लगातार हो रही बारिश से खटीमा के सीमांत मेलाघाट इलाके में बहने वाली जगबूढ़ा नदी अपनी उफान पर है। नदी का पानी जहां खटीमा मेलाघाट इलाके के आबादी वाले क्षेत्र के खेतों में घुस गया, वहीं बरसाती नदी जगबूढ़ा के उफान में होने की वजह से स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। काफ़ी साल के बाद, 25-30 साल के बाद इतना भयानक पानी ये आया हुआ है। पहले पानी हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि पानी यहाँ आता था, लेकिन आज हमने यह पानी देखा है। इससे फसलों का भी नुकसान है, मकानों में तक पानी घुस गया। आगे आने वाला समय जो है
पूरा बाजार भी इससे मतलब डूब सकता है। यहाँ SSP कैंप है, इसके लिए भी खतरा काफ़ी बना हुआ है कि आज 30 साल के बाद जो है आज इस जगबूढ़ा नदी में इतना पानी आया है जिससे कि इस सिसई जो गांव है उसको भी खतरा हो गया है। तो इसके लिए अभी जो है मैं शासन को और अपने जिलाधिकारी महोदय को और अपने जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराऊँगा और रिपोर्ट भी भेजेंगे कि जिससे कि यहाँ पर जो है पिचिंग बनाई जाए और ये हमारी नेपाल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे लगा हुआ गांव और इसमें पिचिंग बनाई जानी जो है बहुत। कोरोना के मद्देनजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर बढ़ती जा रही चौकसी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती हुई नजर आ रही है। काशीपुर से लगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर पर कोरोना दिशा निर्देशों के लिए आपको बता दें कि गाइडलाइन के तहत पुलिस की निगाहबानी सख्त की हुई है, तो वहीं बॉर्डर पर प्राइवेट बसों का संचालन बंद होने से लोगों की जेब पर अनैतिक बोझ पड़ रहा है। साथ में आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्रवेश करने के लिए दूसरे जनपदों और इलाकों से आने वाले यात्रियों को कई कोसों का पैदल की सफर तय करना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि रोडवेज बसें एक गंतव्य के होने के कारण बीच में यात्रियों को बैठाने को ना तो रुकती हैं और इसके साथ ही ना ही उतार पाती हैं, जिसकी वजह से टेम्पो और ई रिक्शा में चालकों को उनका मानना किराया जो है वो बड़ा उन मनमाना किराया उनको देना पड़ रहा है। वहीं कुछ का ये भी कहना था कि भीषण गर्मी से पहले पैदल सफर करो या फिर बॉर्डर पर कोविड दिशा निर्देशों के तहत लंबी कतारों में लगने से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बॉर्डर पर निगाहबानी कर रहे CPU अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत की उन्होंने क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। मेरठ गए तो हमारे को कोई रोक टोक नहीं हुई, आज हम अपने उत्तराखंड में आ रहे अपने घर पे आ रहे तो आज रोक टोक क्यों हो रही है? बकायदा इन्होंने कहा कि कुछ रिपोर्ट लाओ तो वैक्सीन लगाइए, जब कोरोना होता था क्या वैक्सीन का इंजेक्शन लगा देते हमें? तो हम ये जानना चाहते हैं छोटे छोटे बच्चे वाले कितने लोग देखो परेशान हो के दूसरी गाड़ी में जा रहे हैं, तो बस से उतर के हम दूसरी गाड़ी में जा रहे हैं तो कोरोना है क्या या उस बस में कोरोना है रो बताइए हमें आप। इतनी पब्लिक परेशान हो रही है, हम लोग भी परेशान है। सुबह कोशिश में है क्योंकि उत्तराखंड में अगर कोई बाहर से टूरिस्ट आता है तो उसका RT-PCR रिपोर्ट होना अनिवार्य है गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। तो इससे एक फायदा ये होगा कि जो कोरोना के जो केस हैं वो कम होंगे। अब इससे दिक्कत का सामना तो करना, क्योंकि साफ साफ उत्तराखंड ने अपनी गाइडलाइन जारी कर रखी है कि कोई भी अगर बाहरी आदमी या टूरिस्ट यहाँ आता है तो अपनी RT-PCR रिपोर्ट साथ में लाए, अगर वो साथ में नहीं लाते हैं तो दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ेगा, ये हम मानते हैं। लेकिन अब क्या करें, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना बहुत जरूरी है। और उत्तराखंड के बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने झालावाड़ राजस्थान में गौ तस्करों द्वारा हिंदुवादी संगठन के युवक की गई हत्या के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सभी दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर राजस्थान के राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन SDM कार्यालय में सौंपा। बता दें कि सोमवार को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जिला मंत्री यशपाल राजहंस की अगुवाई में SDM कार्यालय में एकजुट हुए, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बीते दिनों झालावाड़ राजस्थान में हिंदुवादी संगठन के युवक कृष्णा वाल्मीकि की गौ तस्करों द्वारा निर्ममतापूर्वक की गई हत्या के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल से दोषियों को फांसी की सजा और परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। राजस्थान के भीतर मॉब लिंचिंग के दौरान किसी हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता हिंदू समाज के एक युवक की हत्या हुई जिसका नाम कृष्णा वाल्मीकि है। वो गौरक्षा करते हुए शहीद हुआ है और उसे निर्ममता से मारा गया है। उसमें चार लोग लिप्त हैं, चारों ही समुदाय विशेष के हैं और चारों ही फरार हैं। वहाँ कांग्रेस की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं इनको पलित पोषित करने वाली है, जो लोग देश के भीतर राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं। कार्यकर्ता की जो हत्या हुई है, जो हमारा कार्यकर्ता वहाँ विद्रोहियों से भिड़ते हुए शहीद हुआ है, उसके परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिले, चारों ही अपराधियों की धरपकड़ अति शीघ्र हो और उनको चारों को फांसी हो, ऐसी मांग को लेकर और उसके परिवार में किसी व्यक्ति को जो बालिक है और योग्य है उसको एक सरकारी नौकरी मिले, इन मांगों को लेकर राजस्थान के राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया है। और पूरे देश भर के अंदर हिंदू समाज में आक्रोश है, ये हिंदुस्तान है, या किसी प्रकार की मॉब लिंचिंग विद्रोहियों के द्वारा की जाएगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा संवैधानिक पद्धति से।
पंचायत चुनाव की प्रक्रिया की सुगबुगाहट शुरू होते ही आपत्तियों का दौर भी तेज हो चुका है। वोटर लिस्ट में से लेकर तमाम तरह की आपत्तियां आनी अब तेज हो चुकी हैं। आज भगवानपुर एसडीएम को ग्रामीणों ने अपने राजस्व ग्राम को अलग न करने के लिए ज्ञापन सौंपा। बता दें कि पंचायत चुनाव सर पर है, चुनावों को लेकर प्रशासन से लेकर गाँव तक में तैयारियां जोरों पर है। इसी क्रम में आज चोली शाहबुद्दीनपुर के ग्रामीण उप जिलाधिकारी भगवानपुर से मुलाकात के लिए पहुंचे और अपने गांव को चोली शाहबुद्दीनपुर से अलग किए जाने के विरोध में एक ज्ञापन देकर चेतावनी दी। ग्रामीणों ने कहा कि उनकी समस्या का समाधान जल्द नहीं हुआ तो वो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल की जाएगी। अगर किसी को कोई तकलीफ या फिर अनहोनी होती है तो उसका जिम्मा सरकार का होगा। तो वहीं इस दौरान आपको बता दें कि एसडीएम भगवानपुर स्मिता परमार ने बताया कि ज्ञापन जो ग्रामीणों द्वारा दिया गया है उसे आला अधिकारियों को भेज दिया गया है। हम चोली में ही रहेंगे, चोली के रहने वाले हम मंडोर में नहीं जाएंगे। हम और हम ये जो है ना हमारे बड़े हम दुखी कर रहे हैं, हम तो निकालना सोच रहे हैं और हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम ही रहेंगे अपने गाँव में। जाम रहता है जी, हम चोली में रहना चाह रहे हैं, चोली में रहेंगे और हमारे बड़े मर गए, हम इसी में मरना, हम कहाँ जाएंगे, क्यों अपने बच्चों को प्रारण करेंगे, हम ही कहाँ कह रहे हैं काम और जब देखिए भाई साहब, हमने आज फिर ज्ञापन के माध्यम से हमने अवगत करा दिया एसडीएम साहब को, यदि हम चोली के हैं, चोली में रहना चाहते हैं सभी लोग, किसी चीज की कोई मांग नहीं कर रहे, और यदि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो अब हम अपने गांव में धरना देंगे और भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे और सरकार को सुननी पड़ेगी और हमारी बात माननी पड़ेगी, हम पीड़ित लोग हैं। कितने लोग हैं? करीबन 6000 आबादी के हैं, 6000 आबादी में से आधे तो धरने पे बैठेंगे और आधे दूसरी शिफ्ट में धरने पे बैठेंगे, धरना हमारा जारी रहेगा और कुछ लोग हमारे में से भूख हड़ताल भी करेंगे। में रहने वाले निवासी हैं जो कि मंडार की सीमा में रहते हैं और इनकी डिमांड है कि इनकी चौली में इनका नाम दर्ज कराया जाए निर्वाचन नामावली में, तो इनकी जो भी प्रार्थना पत्र है उसको हम उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर देंगे, वो ही हमने भेज दिया है जिले को। हाँ, तो उसके लिए हम ये सूचना जिले में भेज रहे हैं उच्च अधिकारी। तो वहीं उत्तराखंड जल संस्थान श्रमिक संघ के आउटसोर्स कर्मचारियों ने आज लालकुआ तहसील पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए कानूनगो के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संजय कुमार ने कहा कि जल संसाधन में आउटसोर्स करके पिछले 25 सालों से ठेकेदारी प्रथा में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को संविधा में नियुक्त नहीं किया गया है। यही नहीं, उनका आरोप है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पहले भी जारी शासन आदेश का अभी तक आलेख को पालन में नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से श्रमिकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं श्रमिक संघ के उपाध्यक्ष लक्ष्मी दत्त ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, श्रमिकों को मासिक मानदेय बहुत कम दिया जा रहा है, जिससे उनके परिवारों में पालन पोषण की समस्या आ रही है। हमारी बहुत पुरानी समस्याएं हैं, आज तक हम सरकार को अपनी समस्या हर वक्त हर समय अवगत कराते रहे, हमारी मांगों या हमारी समस्याएं जितनी भी थी आज तक उसमें कोई अमल नहीं किया गया। हम एक अल्प वेतन भोगी हैं सर, जिसमें हमारा भरण पोषण करना भी असंभव रहा है, और सरकार से क्या मांग है? यह मांग है कि हमें उपनल में समायोजित किया जाए और न्यूनतम वेतन हमें लागू किया जाए, उपनल में समायोजित किया जाए, और दूसरा जो है ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए। और कई विगत 24 वर्षों से हम लोग इस विभाग में कार्यरत हैं और क्या कहते हैं, हमारे कितने बार हमने पत्राचार अधिकारियों को शासन को सबको दिया है, इन लोगों ने हमारी कोई भी सुनवाई मतलब जो है नहीं सुनी, और क्या कहते हैं ठेकेदारी प्रथा पे हम लोगों का शोषण किया जा रहा है, क्योंकि ठेकेदार पहले एक ठेकेदार होता था, अब जो है विभागों में अनेक जितने डिवीजन हैं उतने डिवीजनों में अलग अलग ठेकेदार को बनाया गया है और उन लोगों द्वारा हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, और हमारा पीएफ जो है जो रेगुलर पीएफ पड़ता है उनका पीएफ हमारे जो 26 दिन हम कार्य करते हैं 26 दिन में वो लोग जो है कभी हमारा 24 दिन का पीएफ डाल रहे हैं, कभी हमारा जो है 22 दिन का पीएफ डाल रहे हैं, कभी हमारा 18 दिन का पीएफ डाल रहे हैं। तो वहीं रुद्रप्रयाग के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता दुगलपिट्टा में इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जगह जगह से पर्यटकों के तुंगनाथ
चोपता पहुंचने के बाद स्थानीय व्यापारियों में खासा खुशी है। पिछले महीनों लॉकडाउन लगने के बाद पर्यटकों को न पहुंचने से स्थानीय लोगों की आय पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ हुआ था, लेकिन धीरे धीरे आय में भी बढ़ोतरी होने से अब वहां पर तुगानाथ और चोपता क्षेत्र के पर्यटकों की चहलकदमी से लोग गुलजार हो चुके हैं। अप्रैल मई जुलाई में मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में रंगत देखने को मिल रही है। पिछले महीनों तक चोपता की हसीन वादियां वीरान हो गई थी, लेकिन अब पर्यटकों के पहुंचने से तुगानाथ में और चोपता क्षेत्र में पसरा सन्नाटा दूर हो रहा है और इसके साथ ही वहां पर जो लोग हैं वो भी खुश हो रहे हैं क्योंकि पर्यटकों के पहुंचने से उनकी आमदनी एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। हम रुद्रप्रयाग जिले के चोपता, इस जगह का नाम चोपता कहते हैं, यहाँ पे घूमने आ रखे हैं सपरिवार बच्चों सहित। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अभी दिन के 12 बज रहे हैं पर ऐसा लग रहा है जैसे अभी सुबह हो रही हो, अभी रात खुल रही हो। यहाँ की प्रकृति की छटा और यहाँ की सुंदरता सबका मन मोह ले रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ प्रकृति ने हमें अपने आगोश में ले लिया है। बहुत भीड़ हो रही है, लोग घूमने आ रखे हैं और यहाँ का नज़ारा देख के ऐसा लगता है कि यहाँ हम बार बार यहाँ आएँ और घूमें। हरिद्वार में पंचायत चुनाव को देखते हुए सरगर्मियां तेज होती चली जा रही हैं। जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं था उन लोगों द्वारा अपने अपने ब्लॉक में आपत्तियां दर्ज कराई जा रही थी, जिसके बाद रुड़की एसडीएम अपूर्वा पांडे आपत्तियों को सुनने के लिए नारसेन ब्लॉक पहुंची। कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ राजनीतिक कारणों के चलते उन लोगों के द्वारा हमारी वोट को जबरदस्ती कटवा दिया गया है, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा रुड़की एसडीएम और ब्लॉक के अधिकारियों को दी गई थी। अब अधिकारियों द्वारा हमारी समस्याओं को सुना गया, जिसके बाद हमें मतदाता सूची में अपना नाम आने की पूरी उम्मीद है। उसके लिए आपत्ति दावे वगैरह के लिए समय दिया गया था, तो उनमें उसकी सुनवाई हुई, तो आज मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ से गांव में भी कई सारे लोग अपने इश्यूज लेकर आए हैं, उन पर सुनवाई की गई है एवं नियमानुसार। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANB न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।